भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं पोतरा कुंड के। ये देखिए किस तरह से रंग बिरंगे रोशनी से इसको सजाया गया है। यहाँ पर सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रज माधुरी में। आज हम पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम आपको बता दें, मथुरा में 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आइए हम और आप चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, जहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, सभी के दर्शन करेंगे और किस तरह से इस बार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाया जाएगा वो सभी जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, जहाँ पर हम और आप आज अद्भुत दर्शन करेंगे। हम आपको बता दें भक्तों, इस बार ठाकुर जी का 5251वां जन्मोत्सव सभी लोग मनाएंगे। इसके लिए सभी ब्रजवासी पूरी तरह से तैयार हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देश से विदेश से अनेकों भक्त आते हैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से इस बार पूरी मथुरा नगरी को सजाया गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से अभी से भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 26 तारीख को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए भक्त आना शुरू हो चुके हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सभी कार्यक्रमों के दर्शन कराएंगे। आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाएं और आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहां पर बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से इस बार सजाया गया है पूरी जन्मभूमि को। आप देख रहे होंगे किस तरह से चकाचौंध रोशनी में नहाता हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से आप दर्शन कर रहे हैं और आइए आपको सभी दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ आपको पूरे जन्म स्थान के दर्शन कराएंगे और आपको पोतरा कुंड भी लेके चलेंगे, जहां पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप मथुरा से दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सिर्फ 3 दिनों का इंतजार है, जब हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव को सभी ब्रजवासी ही नहीं, दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे और यहां मनाएंगे। और भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। ये देखिए किस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि को। ये मेन गेट है, यहाँ से सभी श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा। और आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पे मथुरा में अभी से उभरने लगा है। कितना सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से पूरे जन्म स्थान को सजाया गया है भगवान श्री कृष्ण के 5251 में जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा नगरी सज चुकी है।
और आइए भक्तों अब चलते हैं पोतरा कुंड की तरफ, जहाँ पर देखते हैं किस तरह से पोतरा कुंड को सजाया गया है। मथुरा में जो भी तैयारियां हैं सभी के दर्शन हम आपको कराएंगे, और साथ ही साथ यहाँ के जो भी कार्यक्रम होंगे सभी के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। आइए चलते हैं पोतरा कुंड की तरफ। और भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं पोतरा कुंड के, ये देखिए किस तरह से रंग बिरंगे रोशनी से इसको सजाया गया है। पोतरा कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, पूरी तरह से सफाई का कार्य चल रहा है, और साथ ही साथ फव्वारे भी यहाँ पर लगेंगे, उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। अभी जो भी तैयारियाँ हैं उन सभी के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से। आप सभी से निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।